दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे एक ऐसे राजा की जिसे लगा कि उसने कपड़े पहने हुए हैं, पर वह वैसे ही उत्सव में पहुंच गया। वहां जाकर एक लड़के ने उसकी बहुत बेइज्जती की कि वह नंगा पहुंच गया है उत्सव में। चलिए सुनते हैं इस कथा के बारे में। बहुत दिनों पहले एक राजा था जो नए नए कपड़ों का इतना शौकीन था कि वह अपने राज्य की आमदनी अपने शौक को पूरा करने में ही लुटा देता था। उसकी कामना हर समय यह रहती थी कि लोग उसके कपड़ों को देखते ही रहें। उसे ना सेना को मजबूत बनाने की फिक्र थी, ना ही खेल तमाशे में वह कोई रस लेता था, ना घूमने फिरने को ही उसका मन करता था। हाँ, अपने नए कपड़ों को दिखाने के लिए वह चाहे 10 कोस चला जाता। दिन और रात के हर घंटे के लिए उसके पास अलग पोशाक थी। जिस तरह किसी राज्य के राजा के बारे में पूछने पर उत्तर मिलता है कि वह अपने मंत्रियों की बैठक में है, उसी तरह यदि कोई इस राजा के बारे में पूछता कि वह कहाँ है तो उत्तर मिलता कि वह पोशाक बदलने वाले कमरे में है। जिस शहर में राजा की राजधानी थी वह भरा पूरा था और वहां रात दिन आने जाने वालों की चहल पहल रहती थी। कोई ही दिन ऐसा गुजरता होगा जिस दिन बाहर से आने वाले लोग सैकड़ों की तादाद में राजधानी के बाजारों में दिखाई ना पड़ते हों। इन्हीं में एक दिन दो ठग भी आए। उन्होंने लोगों को बताया कि वे बुनकर हैं और ऐसा बढ़िया कपड़ा बुनना जानते हैं कि सारे संसार में दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता, यहाँ तक कि कोई उसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। ना केवल उस कपड़े का रंग और डिजाइन ही सुंदर होगा, बल्कि उसमें यह भी विशेषता होगी कि जो आदमी अपने पद के योग्य नहीं होगा या हद दर्जे का बेवकूफ होगा उसे वे वस्त्र दिखाई तक नहीं देंगे। राजा ने मन ही मन सोचा, इस तरह के वस्त्र तो अनमोल होंगे। यदि मैं ऐसे कपड़े पहन लूं तो मुझे पलक झपकते उन लोगों का पता मिल जाएगा जो अपने अपने पदों के योग्य नहीं हैं। तब मैं अपनी प्रजा में से होशियार लोगों को चुन पाऊंगा, इनसे अपने लिए कपड़े बनवाता हूं। और उसने उन ठगों को कपड़ा बनाने के लिए फौरन ढेर सारा रुपया दे दिया और कहा कि फौरन काम शुरू कर दो। ठगों ने एक करघा लगाया और ऐसे दिखाने लगे जैसे कपड़े बुन रहे हों, पर करघा खाली था। उन्होंने राजा से बढ़िया रेशम और सोने के तार मंगवाए थे, पर उन्हें इस्तेमाल करने की जगह अपने झोले में छिपा लिया। देर रात तक वे खाली करघे के सामने बैठकर ऐसा जाहिर करते थे जैसे कपड़ा बुन रहे हों। राजा ने सोचा, देखूं तो सही कि वे कैसे काम कर रहे हैं, पर यह सोचकर भी उसका दिल अजीब ढंग से धड़कने लगा कि जो बेवकूफ और अपने पद के लिए लायक नहीं है वह उस कपड़े को देख भी नहीं पाएगा। उसे यह चिंता नहीं थी कि उसके अपने साथ ऐसा होगा, फिर भी उसने सोचा कि पहली बार यह देखने के लिए कि वे कैसा काम कर रहे हैं किसी और को भेजना चाहिए। पूरे शहर में सबने कपड़े के जादुई गुणों के बारे में सुना था। सभी यह जानने को बेचैन थे कि उनका पड़ोसी कितना बेवकूफ और बेकार है। राजा ने सोचा, मैं अपने वफादार मंत्री को भेजता हूँ, वह देखकर आएगा कि जुलाहों का काम कैसा चल रहा है। वह होशियार और अपने काम में लायक आदमी है, अगर कोई जांच कर सकता है तो यह वही होगा। प्रधानमंत्री अच्छे स्वभाव वाला बूढ़ा आदमी था। जब वह उस कमरे में पहुंचा जहां जुलाहे काम कर रहे थे तो उसने देखा कि करघा खाली था। उसने अपनी आंखें बंद की फिर खोली और सोचने लगा, हे भगवान मुझे बचाओ, मुझे तो एक भी चीज दिखाई नहीं दे रही। फिर भी वह कुछ बोला नहीं। ठगों ने उसे करघे के पास बुलवाया जिससे वह उनके बनाए कपड़ों का रंग और डिजाइन देख सके। खाली करघे की तरफ इशारा करके उससे देखने को कहा। बेचारा प्रधानमंत्री मंत्री करघे के एकदम निकट आकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, मगर उसे फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। दिखाई तो तब देता जब वहां कुछ होता। उसने मन में सोचा कि क्या ऐसा भी संभव हो सकता है कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे तो इस बात का गुमान तक नहीं था। मगर खैर, अब तो यह बात किसी पर प्रकट नहीं होनी चाहिए। और भला क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने पद के योग्य ना हूँ। ओह, यह बताने से तो कतई काम नहीं चलेगा कि मुझे कपड़ा दिखाई नहीं देता। अरे, आपने हमारे काम के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया, दोनों ठगों में से एक बोला।
ओह यह कपड़ा तो बहुत सुंदर है, बहुत लुभावना है, बूढ़े मंत्री ने कहा। फिर और भी निकट से अपने चश्मे को संभालते हुए उसने कहा, डिजाइन भी सुंदर है और रंग का तो क्या कहना। अब मैं राजा साहब को कपड़े का राई रत्ती हाल बता सकता हूँ, बहुत शानदार कपड़ा है। हमें यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई, दोनों बुनकर बोले। फिर उन्होंने कपड़े के डिजाइन और रंग की बारीकियां मंत्री को समझाने का प्रयत्न किया। मंत्री सब ध्यान देकर सुनता रहा, जिससे राजा साहब के सामने कपड़े की सुंदरता बयान करते समय वह सारी बातें बता सके और उन्हीं शब्दों का प्रयोग करे जिनके द्वारा दोनों ठग कपड़े की बारीकियां समझा रहे थे। उसने ऐसा ही किया। अब दोनों ठगों ने और अधिक रेशम, सोने के तारों और धन की फरमाइश की। तुरंत सब चीजें उन्हें दी गईं। उन्होंने सब चीजों को एकत्रित किया और आराम के साथ निरर्थक धंधे में जुट गए। वही खटाखट खटाखट और हवा की बुनाई जारी रही। एक दिन राजा ने एक दूसरे कुशल मंत्री को यह देखने के लिए भेजा कि बुनकरों का काम कैसा चल रहा है। उसके साथ भी बिल्कुल वैसी ही घटना घटी। वह यह देखकर हक्का बक्का रह गया कि करघों पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्या ख्याल है आपका, कपड़ा सुंदर है या नहीं? दोनों ठगों ने उससे भी यही सवाल किया और साथ के साथ उस झूठ मूठ के कपड़े के डिजाइन और रंगों की सुंदरता का बखान आरंभ कर दिया। मैं मूर्ख तो नहीं हूँ, उस मंत्री ने सोचा, ना ही मैं अपने पद के लिए अयोग्य हूँ। हाँ, यह हो सकता है कि राजा साहब ने जिस काम के लिए मुझे अब भेजा है, मैं उसी के अयोग्य हूँ। है तो यह बड़ी अजीब बात, पर पता इसका किसी को नहीं चलना चाहिए। इसलिए उसने भी कपड़े की तारीफ और उसके रंगों का डिजाइन को खूब सराहा। फिर राजा के पास जाकर बोला, कपड़ा वास्तव में बहुत प्यारा और आज तक किसी ने ऐसा कपड़ा नहीं देखा होगा। शहर में जिसके मुंह से सुनो कपड़े की तारीफ हो रही है। अब तो राजा ने उसे स्वयं भी देखना चाहा, बाद में तो सामने आएगा ही, मगर करघे पर बुना जाता देखने में और ही बात थी। इसलिए राजा ने बहुत से सभासदों को अपने साथ लिया और कपड़ा देखने के लिए चल दिए। उन सभासदों में वे ईमानदार और बुद्धिमान मंत्री भी थे जो पहले कपड़ा देखने गए थे। जब राजा दोनों ठगों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दोनों के दोनों पसीने पसीने हो रहे हैं और तेजी के साथ मशीन की तरह अपना काम कर रहे हैं, हालांकि उनके पास एक भी सूत का रेशा नहीं था। कितना शानदार कपड़ा है, दोनों मंत्रियों ने कहा। महाराज, तनिक और निकट चलकर देखिए और इस कपड़े के डिजाइन और रंगों को सराहिए। उन्होंने खाली करघे की ओर इशारा किया। वे समझते थे कि चाहे उन्हें कपड़ा दिखाई ना दे रहा हो, मगर औरों को तो जरूर दिखाई देता ही होगा। यह क्या, राजा सोचने लगा, वाह, यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। वह तो बड़ी ही गड़बड़ की बात हुई। क्या यह हो सकता है कि मैं बेवकूफ हूँ या राजा होने की योग्यता मुझमें ना हो? यह तो मेरे लिए बड़ी खराब बात होगी और सारे राज्य में मेरी बदनामी हो जाएगी। इसलिए उसने प्रकट में कहा, हाँ, सचमुच कपड़ा बहुत सुंदर है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। और वह खाली करघों की ओर देख देख कर इस तरह मुस्कुराने लगा मानो डिजाइन की परख करने के बाद वह उस पर मोहित हो गया हो। यह तो वह किसी भी तरह स्वीकार करने को तत्पर नहीं था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों ने वाह वाह की झड़ी लगा दी, जितने मुंह उतनी बातें, कपड़ा बहुत सुंदर है, बढ़िया है, शानदार है, रोबीला है, ऐसा है, वैसा है, और सभी प्रसन्न हो रहे थे मानो उन्होंने कपड़े को अपनी आंखों देखा हो। राजा ने तुरंत उन्हें राजकीय बुनकर के पदक प्रदान किए और आज्ञा दी कि उन पदकों को वे अपने अपने कोर्ट के कजों में लगा लें। राजा के सभासदों ने उसे सलाह दी कि उन मूल्यवान कपड़ों को आने वाले महासम्मेलन के दिन पहना जाए। राजा ने उनकी बात मान ली। जिस दिन महासम्मेलन का जुलूस निकालना था, उससे पहली रात को दोनों ठग जागकर काम करते रहे और 20 हंडे उन दोनों ने जलवाए रखे। हर आदमी देख सकता था कि वे दोनों राजा के नए कपड़े तैयार करने में जमीन आसमान एक कर रहे हैं। उन लोगों ने ऐसा दिखाया मानो कपड़ा करघों पर से उतर गया है। अब उन्होंने बड़ी बड़ी कैंचियां ली और बड़े कायदे से हवा में ही चलाया। फिर बिना धागे की सुइयां लेकर ऐसा दिखावा किया मानो कपड़े सिए जा रहे हैं। अंत में जुलूस के समय से थोड़ी ही देर पहले वे हाथ पैर झाड़कर निबट गए मानो बड़ा भारी किला फतेह कर डाला हो। उन्होंने संदेशवाहक से कहा, देख नहीं रहे हो, कपड़े तैयार हो गए हैं, राजा साहब को सूचना दो। संदेशवाहक तुरंत जाकर राजा को खबर दे आया, महाराज, बहुत बढ़िया कपड़े सिलकर तैयार हो गए हैं।
मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। राजा अपने साथियों को लेकर स्वयं तैयार कपड़ों को देखने के लिए आया। ठगों ने अपने एक एक हाथ फैलाकर इस तरह दिखाया मानो बड़े कीमती कपड़े पहन रखे हों। एक बोला, देखिए महाराज, इस प्रकार के कपड़े सारी दुनिया में देखने को नहीं मिलेंगे। यह देखिए, गले की काट बिल्कुल नए तर्ज की है और आस्तीन के घुमाव पर झोल के छाया तक नहीं है, और कमर तो मानो स्वयं राजा की कमर का मुकाबला कर रही है। हुजूर, इन कपड़ों को पहनकर ना केवल आप अपने राज्य के राजा दिखाई देंगे बल्कि नए डिजाइन के कपड़ों के राजा भी दिखाई देंगे। इन कपड़ों की बारीकी को देखिए, इसके वजह से इनमें वजन भी मकड़ी के जाले से अधिक नहीं है। जो उन्हें पहनता है उसे यही मालूम नहीं होता कि वह कुछ पहने हुए भी है, लेकिन इसी में तो इन कपड़ों की खूबसूरती छिपी हुई है। जी हाँ, यह बात 100% सही है, सारे सभासद बोल उठे। मगर वास्तव में उन्होंने देखा कुछ नहीं था, क्योंकि था ही कुछ नहीं जिसे वे देखते। अगर महाराज अपने कपड़े उतार डालें तो हम यही शीशे के सामने महाराज को यह नए शानदार वस्त्र पहना दें। ठगों ने कहा। महाराज ने अपने कपड़े उतार डाले। ठगों ने एक के बाद एक राजकीय वस्त्र राजा को पहनाने का दिखावा किया और राजा भी जैसे जैसे वे कहते गए वैसे वैसे हरकत करता गया। यही नहीं, लोगों को यह दिखाने के लिए कि वह अपने नए वस्त्रों को कितने ढंग से पहन रहा है, शीशे के सामने खड़े राजा साहब कभी झुकते कभी सीधे होकर कॉलर झटकते मालूम होते। सभी लोग चिल्ला उठे, वाह वाह, कितने खूबसूरत कपड़े हैं, कमाल है, ऐसा नमूना आज तक नहीं देखा होगा। रंग तो इंद्रधनुष को मात करते हैं, डिजाइन आज तक ऐसा नहीं निकला था, बहुत शानदार राजकीय पोशाक है। मुख्य चौकदार ने कहा, महाराज, आपका छत्र आपको ले जाने के लिए बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, हम तैयार हैं। राजा ने कहा, क्यों फिट हो गए ना? और वह कॉलर ठीक करता हुआ शीशे में अपने को अकड़ कर देखने लगा मानो उन नए वस्त्रों में अपने आप को स्वयं ही जांच रहा हो। राजा के लंबे लटकने वाले चोगे को उठाने वाले दासों ने नीचे झुककर ऐसा दिखावा किया मानो सचमुच पोशाक को कायदे से उठाकर चल रहे हों। वे भी यह नहीं चाहते थे कि कोई यह कह सके कि उन्होंने हाथ में कुछ उठा नहीं रखा है अथवा उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं देते। इस प्रकार शानदार छत्र के नीचे चमड़ डुलवाता हुआ राजा जलूस के आगे आगे चला। सड़क के दोनों ओर खड़े तथा खिड़कियों पर लदे स्त्रियों और पुरुषों ने गला फाड़ फाड़ कर राजा के कपड़ों की प्रशंसा की। क्या सुंदर और फिट पोशाक है, क्या शानदार कपड़े हैं, संसार का कोई वस्त्र इनका मुकाबला नहीं कर सकता, कितना सुंदर चोगा लटकता जा रहा है। वास्तव में कोई भी यह नहीं चाहता था कि वह जो काम कर रहा है उसके अयोग्य ठहरा दिया जाए अथवा मूर्ख मान लिया जाए, इसलिए राजा ने आज तक जितनी पोशाकें पहनी थीं उनमें से यह पोशाक सबसे अधिक सफल सिद्ध हुई। यह दूसरी बात है कि पोशाक वास्तव में थी ही नहीं। अंत में एक छोटे से बच्चे ने चिल्लाकर कहा, देखो तो राजा नंगा है। लो सुनो तो इस अबोध बालक की बात, बच्चे का पिता घबरा कर बोला, परंतु बात ने जड़ पकड़ ली और लोग एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करने लगे, सच ही राजा नंगा है। अंत में सब लोग चिल्ला पड़े, राजा ने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा है, सब वहम है। राजा बड़े चक्कर में पड़ गया, क्योंकि मन ही मन वह समझ रहा था कि वे लोग सही कह रहे हैं, मगर उसने सोचा कि जब इसे शुरू कर ही दिया है तो अंत करके छोड़ना चाहिए, नहीं तो बड़ी हेठी होगी। जुलूस आगे बढ़ता चला गया और दास लोग उस पोशाक को थामे लिए चलते रहे जो थी ही नहीं। जब जुलूस का समापन हुआ, जब राजा महल में पहुंचा, तब महल में पहुंचने पर राजा के बच्चों ने भी उसे नग्न देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया, पिताश्री नंगे हैं। तब राजा को भी एहसास हुआ उन दोनों ने उसे मूर्ख बनाया है। राजा ने अपने सैनिकों को उनके पीछे लगा दिया और उन्हें पकड़वा कर सभा में प्रस्तुत करवाया। सभा में उन्हें 500 कोड़े मारे गए। फिर उन्होंने अपने जुर्म कबूल किया और राजा से क्षमा की भीख मांगने लगे, किंतु राजा ने उन्हें क्षमा ना करते हुए फांसी की सजा सुना दी। जय श्री राम भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम भक्तों।